हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी चैनल। तो गाइस, जो आज का हमारा जो वीडियो है वो है यूपी स्कॉलरशिप के बारे में, कि आपके बैंक में स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई, उसी के बारे में वीडियो बताऊंगा कि आप सभी किस प्रकार से अपना अकाउंट नंबर डालकर आप अपनी स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से चेक कर सकते हैं। आपको जाने की बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप घर बैठे ही इसको चेक कर सकते हैं। केवल आप अपना अकाउंट नंबर डालकर और अपने बैंक का नेम डालकर एक ही क्लिक करने पर आपके सामने पूरी नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगी कि आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना इस वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमें वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो उसको। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी अपना क्रोम ब्राउजर खोल लें या फिर गूगल खोल लें, या फिर कोई भी सर्च इंजन आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद उसमें सिंपली सर्च करना है PFMS। आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है PFMS.nice.in स्कॉलरशिप स्टेटस 2020, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया, आपके सामने खुल कर आ गया है, जिसमें जो पहला ऑप्शन दिया है PMS नो योर पेमेंट, इसी में आपको क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुल कर आएगा, तो आप देखिए। तो गाइस, हमारा ये पेज खुलकर आ गया है। इसमें आपको फर्स्ट नंबर में दिया हुआ बैंक, जिसमें बैंक में आपको बैंक नेम डालना है, आपको जो बैंक का नाम है वो डाल देना है। इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ इंटर अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। थर्ड ऑप्शन दिया इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर, इसे थर्ड नंबर में आपका फिर से वही अकाउंट नंबर डाल देना है। और जो फोर्थ नंबर, इसमें आपको जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड को यहाँ पर सिंपली यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद जो सर्च ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, सबसे पहले आपको मैं फटाफट अपना अकाउंट बैंक का नाम डाल लेता हूँ। तो मैं अपना बैंक का अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। तो गाइस, मेरा ये आ चुका है इलाहाबाद बैंक। इसके बाद मैं सिंपली अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ जल्दी से। तो डाल लेते हैं नंबर अपना। तो मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल लिया। इसके बाद मैं आपको अपना अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेता हूँ। तो जल्दी जल्दी कंफर्म कर लेते हैं अपना अकाउंट नंबर। तो मैंने वो डाल दिया। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड डाल देते हैं। अगर आपको कैप्चा कोड नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर राइट में रिफ्रेश ऑप्शन दिया हुआ, आपको इसमें क्लिक कर देना है। इससे रिफ्रेश हो जाएगा और न्यू एक कैप्चा कोड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपना फटाफट अपना कैप्चा कोड सिंपली फिल कर देता हूँ। आपको जैसा ही उसमें दिया हुआ है सिंपली वैसे ही क्लिक करना है। इसके बाद मैंने कैप्चा कोड डाल दिया। इसके बाद जो सिंपली सर्च का ऑप्शन दिया उसमें आपको क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया इसको, तो मेरा पेज खुल गया है। इसके बाद इसमें जो देखिए हमारा पेज खुल चुका है। इसमें आपको सिंपली लिखा है बैंक नेम, बैंक नेम हमारा इलाहाबाद बैंक है, और अकाउंट नंबर जो हमारे लास्ट के 4 डिजिट हैं वो दिए हुए हैं। इसके बाद जो मेरा नेम है वो नेम भी पड़ा हुआ है। इसके बाद जो पर्पज आईडी है वो आईडी पड़ी हुई है। इसके बाद इसमें एजेंसी नेम यूपी लखनऊ से, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अब मेरा ट्रांजेक्शन किया वही पड़ा है। इसमें जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो दी हुई है 52195547। इसमें जो आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन आईडी है वो पड़ी हुई है। इसके बाद जो यहाँ पर फेवरेट पर एज पर बैंक में किसके नाम जिसके नाम पर अकाउंट नंबर है वो उसका नेम पड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट, हमारा अमाउंट 3000 रुपये इस बैंक में ट्रांजेक्शन किया गया है। इसके बाद जो स्टेटस दिया हुआ है सक्सेस पड़ा है। इसमें जो क्रेडिट डेट है, यानी आपका कब किस दिन आपका ये अकाउंट में बैलेंस भेजा गया है, वो आपका तारीख दिया हुआ है, देखिए 6/2020, यानी 6 फरवरी 2020 को ये हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। इसमें जो स्टेटस आप देख सकते हैं सक्सेस। अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आई हुई होती है तो यहाँ पर सक्सेस जगह फेलियर लिखा होता है। तो गाइस, ऐसे ही आपको चेक कर लेना है। मैंने सारी डिटेल्स उसमें बता दी है, बस आपको ऐसे ही चेक कर लेना है, आपको बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर थोड़ा सा हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।